नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की पड़ताल। अगर खाने पीने के ठेले के आसपास गंदगी दिख जाए तो आपका स्वाद किरकिरा होना स्वाभाविक है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को कोई अगर देख ले तो हो सकता है कि वो दोबारा किसी ठेले पर खाने ही ना जाए। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसके साथ दावा ये है कि खाने पीने की चीजें बेचने वाला एक मुस्लिम ठेले वाला पीने के पानी में अपना पेशाब मिलाते हुए पकड़ा गया है। वीडियो में सड़क पर एक ठेले वाले को देखा जा सकता है जो कुकिंग में इस्तेमाल होने वाला एप्रन पहने हुए है। एप्रन के निचले हिस्से के अंदर से एक मग निकालता है, उसे ठेले पर रखी बाल्टी में डालता है, फिर थोड़ा पानी निकाल कर सड़क पर फेंक देता है। दावे में लिखा है कि पहले ठेले वाले ने मग में पेशाब किया, थोड़े पेशाब को पीने वाले पानी में डाला और थोड़ा बाहर फेंक दिया ताकि ग्राहकों को पता न चल सके। साथ में ये भी लिखा है कि अब बाहर खाने पीने के शौकीन लोग इन जिहादियों का क्या करेंगे। सांप्रदायिक दावे के साथ इस वीडियो को ट्विटर और फेसबुक पर कई लोग शेयर कर चुके हैं। वीडियो के साथ किए गए दावे के जरिए मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है। हमने इस दावे की पड़ताल की, पड़ताल में ये दावा भ्रामक निकला। इतनी बात सच है कि गुवाहाटी के इस ठेले वाले को ठेले पर इस्तेमाल किए जा रहे मग में पेशाब करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन ये व्यक्ति मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है। कुछ कीवर्ड्स की मदद से खोजने पर हमें इस वीडियो संबंधी 19 अगस्त को प्रकाशित खबर गुवाहाटी प्लस न्यूज वेबसाइट पर मिली। खबर में बताया गया था कि इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, फिर गुवाहाटी पुलिस हरकत में आई और ठेले वाले को हिरासत में ले लिया। असम की बड़ी वेबसाइट टाइम 8 ने एक खबर में बताया है कि ठेले वाले का नाम अक्रुल सहानी है जो गुवाहाटी के भूतनाथ इलाके का रहने वाला है। अक्रुल सत्तू बेचने का काम करता है। खबर के मुताबिक व्यक्ति की उम्र 60 साल है। ये वीडियो 7-8 दिन पुराना है और गुवाहाटी के भरालूमुख इलाके का है। जानकारी पुख्ता करने के लिए हमने भरालूमुख पुलिस स्टेशन में संपर्क किया। पुलिस स्टेशन के ऑफिस इंचार्ज ज्योति लहाना ने हमें बताया कि दावा झूठ है कि आरोपी ठेले वाला मुस्लिम है। ज्योति का कहना था कि इस ठेले वाले का नाम अक्रुल सहानी है और वो बिहार का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी ज्योति के मुताबिक अक्रुल सहानी हिंदू है ना कि मुस्लिम। अब सवाल यह है कि ये वीडियो बनाया किसने। पड़ताल करने पर हमें पता चला कि ये वीडियो गुवाहाटी के ही रहने वाले अमर ज्योति बोर्दुलोई नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर 14 अगस्त को पोस्ट किया था और लोगों से ऐसे ठेले वाले से सावधान रहने को कहा। अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने अमर ज्योति से भी संपर्क साधा। अमर के मुताबिक ये वीडियो उन्होंने खुद बनाया है। मोबाइल से बनाए गए इस वीडियो के बारे में अमर का दावा है कि वीडियो में दिख रहे ठेले वाले ने पहले मग में पेशाब किया और फिर उसी मग को पानी से भरी बाल्टी में मिला दिया। अमर का कहना था कि वो इससे पहले भी ठेले वाले को इस तरह की हरकत करते देख चुके थे और उन्होंने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन जब ठेले वाला नहीं माना तो एक दिन उन्होंने इसका वीडियो बना लिया और फेसबुक पर डाल दिया। तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि वीडियो शेयर कर एक धन विशेष को निशाना बनाता दावा गलत है। वीडियो में दिख रहे ठेले वाले को गंदगी फैलाने के मामले में गुवाहाटी पुलिस ने जरूर पकड़ा है, लेकिन उसके मुस्लिम होने का दावा गलत है। पुलिस अभी जांच में जुटी है। आपके लिए ये फैक्ट चेक किया है हमारे साथी अर्जुन ढियोडिया ने। अगर आपको भी किसी खबर पर शक है तो हमें मेल करें पड़ताल@lallantop.com पर या फिर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें हमारी हेल्पलाइन 9899813111 पर। हम सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।